हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए आज nth डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का nth डेरिवेटिव का वीडियो लेक्चर तो हम देख चुके हैं कि कैसे निकालते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन कि हम कहां पे इसको अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, हम एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो लेक्चर में देखे थे। इस वीडियो लेक्चर में हम एक दो क्वेश्चन और देखेंगे जो लास्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। उसके बाद हम देखेंगे दो फंक्शन के प्रोडक्ट का अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। हम इसके पहले वीडियो लेक्चर में क्या निकाले हैं, सिंगल फंक्शन का, जैसे साइन ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या होगा। लेकिन अगर यहीं पर सोचिए एक्स टू दी पावर फोर इंटू ई टू दी पावर फाइव एक्स का अगर हमको nth डेरिवेटिव निकालना है, यानी दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव निकालना है, तो फिर कैसे निकालेंगे, वहां पर हम नहीं देखे हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में ये भी हम सीखेंगे कि कैसे निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। हम लास्ट वीडियो लेक्चर में ये वाला फार्मूला साइन ऑफ एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव डिराइव किए हैं और एक्स प्लस बी फोर पावर माइनस वन का भी nth डेरिवेटिव डिराइव किए हैं। तो साइन ऑफ एक्स प्लस बी का nth डेरिवेटिव क्या होता है, ए टू दी पावर एन साइन एन पाई बाई टू प्लस एक्स प्लस बी, और एक्स प्लस बी होल पावर माइनस वन का nth डेरिवेटिव होता है माइनस वन टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन, और यहाँ जो एक्स का कोफिशिएंट होता है ए उसकी पावर एन, और एक्स प्लस बी होल पावर माइनस एन प्लस वन होता है इसका nth डेरिवेटिव। तो हम इसका डेरिवेशन लास्ट वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं, अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं। हालांकि इस फार्मूले का एप्लीकेशन भी एक क्वेश्चन अपन देख चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो चलिए हम पहले इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन थ्री एक्स इंटू कॉस एक्स का nth डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको प्रोडक्ट को प्लस में या माइनस में चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पे हमारा साइन और कॉस का प्रोडक्ट है, हो सकता है ये क्वेश्चन में साइन और साइन का प्रोडक्ट हो, या हो सकता है कॉस और कॉस का प्रोडक्ट हो। तो आप लोग इलेवेंथ के ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी कर चुके हैं, क्या स्टडी किए हैं, जब दो साइन का प्रोडक्ट या दो कॉस का प्रोडक्ट या एक साइन और एक कॉस का प्रोडक्ट हो तो उसको प्लस या माइनस में कैसे चेंज करते हैं, वो फार्मूला है। उसमें से एक फार्मूला जो यहाँ पर यूज हो रहा है वो क्या है, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है। तो यहां पर हम उसी इसी फॉर्मूले का यूज करके हम प्रोडक्ट को प्लस में चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम टू का डिवाइड और टू का मल्टीप्लाई करते हैं। अब टू साइन ए कॉस बी में क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो साइन ए प्लस बी साइन थ्री एक्स प्लस एक्स फोर एक्स, और वैसे साइन थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स। तो ये जो प्रोडक्ट में था साइन कॉस का वो प्लस में चेंज हो गया, किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस में भी आ सकता है। तो हमारा पहला टारगेट जब ट्रिग्नोमेट्री वाला फॉर्म आएगा तो प्रोडक्ट को प्लस या माइनस में चेंज करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका nth डेरिवेटिव लेते हैं। तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू, क्योंकि ये लीनियर प्रॉपर्टी रखता है डेरिवेटिव आप लोग जानते हैं, तो इसलिए ये डेरिवेटिव जो होगा दोनों में अलग अलग लग जाएगा, nth डेरिवेटिव ऑफ साइन फोर एक्स प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ साइन टू एक्स। अब इस साइन फोर एक्स का nth डेरिवेटिव इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। इस फार्मूले को देखिए, इसमें सबसे पहले जो x का मल्टीपल है, x का कोफिशियंट है a, उसकी पावर n आएगा। तो यहाँ पर x का कोफिशियंट क्या है, 4 है, तो इसलिए 4 टू दी पावर n आ गया। उसके बाद साइन जो है साइन ही रहेगा, और जो एंगल है x प्लस बी वो एंगल वही रहेगा, उसके साथ एक एन पाई बाई टू एड हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 4x था तो 4x ही रहेगा और उसके साथ एन पाई बाई टू एड हो गया। अब हम इसमें भी अप्लाई करें तो सेम ऐसी है, x का कोफिशिएंट 2 है एंगल में, तो 2 टू दी पावर एन हो गया, साइन जो एंगल है वही एंगल है प्लस एन पाई बाई टू। तो हम इस फॉर्मूले से इसका nth डेरिवेटिव निकालिए। तो ये फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, मतलब इस फंक्शन का ये nth डेरिवेटिव हो गया। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन 1 प्लस 5x प्लस 6x स्क्वायर। अब इसको सबसे पहले ऐसे फंक्शन को हम डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करते हैं।
तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x, मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। ये सब आप लोग लोअर क्लास में 10th 11th में स्टडी कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं यहां पर। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x इनटू 1 प्लस 3x। अब हम इसको क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो आंशिक भिन्न में तोड़ने का रूल भी आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ चुका है, तो मैं यहां पर शॉर्टकट ट्रिक का यूज कर रहा हूं। क्या करना है, यहां पर देखिए लीनियर फैक्टर है, ये क्या है लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनफल, और इसकी होल पावर भी 1 है। ऐसे फंक्शन में ऐसे फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है तो क्या रूल होता है, a अपॉन 1 प्लस 2x आप लोगों को पता है, प्लस b अपॉन 1 प्लस 3x। ऐसे ये है रूल रिजॉल्व करने का पार्शियल फ्रैक्शन में। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग जो रूल जानते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। मैं यहां पर एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, उससे आप लोग तुरंत a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है वो शॉर्टकट तरीका, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका सिर्फ इसी पैटर्न के क्वेश्चन में, मतलब जहां पे लीनियर फैक्टर रहेगा। देखिए ये लीनियर फैक्टर है, जब लीनियर फैक्टर रहेगा तभी ये मेथड यूज करना है, अदरवाइज जो आप लोग 12th क्लास में यूज करते थे उसी का ही यूज करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालने के लिए इसका जो डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x, ये 1 प्लस 2x को हम 0 रख देंगे, ठीक है। फिर इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/2, यानी ध्यान रखिए जिसका न्यूमरेटर फाइंड करना है उसको हम 0 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लिए। x की वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है जो मेन फंक्शन है उसमें रखेंगे, लेकिन इसको हम हटा देंगे, जिस वैल्यू को 0 रखें, 1 प्लस 2x को 0 रखें ना, तो 1 प्लस 2x समझिए यहां पर नहीं है, हट गया। अब जो बचा हुआ फंक्शन है वहां x की वैल्यू माइनस 1/2 रखिए, यहां पर माइनस 1/2 रखेंगे तो क्या आएगा a इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 3/2 ऐसा आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए क्या आएगा माइनस 1/2, तो 1 अपॉन माइनस 1/2 यानी a इक्वल टू क्या आ गया माइनस 2, तो यहां a इक्वल टू माइनस 2 आ गया, हो गया क्लियर। अब चलिए ये रिपीट करते हैं b की वैल्यू निकालने के लिए, तो और आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब सोचिए b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो अब b की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके डिनोमिनेटर को 0 रखना होगा, मतलब 1 प्लस 3x को 0 रखेंगे, इससे क्या आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/3, x इक्वल टू माइनस 1/3 अब कहां पे रखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन में रखेंगे, लेकिन अब इसको हटा देंगे क्योंकि इसको 0 रख चुके हैं, तो इसको हटाएंगे। अब यहां पर x की जगह माइनस 1/3 रखिए, देखिए क्या आता है माइनस 2/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 यानी b की वैल्यू 3, तो देखिए b की वैल्यू हमने क्या रख दिया 3, तो समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक आप लोग भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहां पर मेन मकसद nth डेरिवेटिव निकालना है, ना कि पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना। तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इस मेथड को यूज करके रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हमारा ये फंक्शन फैक्टराइज हो गया, फैक्टराइज होने के बाद हमने पार्शियल फ्रैक्शन में भी रिजॉल्व कर दिया, अब हम क्या करेंगे इसका nth डेरिवेटिव निकालते हैं। तो इसका nth डेरिवेटिव फिर ये लीनियर प्रॉपर्टी शो करता है, तो nth डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन प्लस nth डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब क्या करेंगे इसका nth डेरिवेटिव, ये क्या है एक्चुअली, इसको हम लिख सकते हैं, एक स्टेप मैं वहां पे लिखा नहीं, यहां लिख देता हूं, माइनस 2 nth डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 2x होल पावर माइनस 1 प्लस 3 nth डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस 3x होल पावर माइनस 1। तो अब इसका nth डेरिवेटिव देखिए, ये है फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहला ये तो माइनस 2 रहेगा ही, माइनस 2 की जगह माइनस 2। अब इसका nth डेरिवेटिव में क्या है फॉर्मूला, माइनस 1 टू द पावर n ये रहेगा ही, देखिए यहां पर है फैक्टोरियल n, ये भी रहेगा ही nth डेरिवेटिव में, तो ये कॉमन है माइनस 1 टू द पावर n फैक्टोरियल। अब क्या करना है, यहां जो x का कोफिशिएंट है 2 की पावर n,
देखिए यहां पर फार्मूला में एक्स का कोफिशियंट ए है, इसलिए यहां पर क्या आ गया ए टू दी पावर एन। तो यहां पर एक्स का कोफिशियंट टू है तो टू टू दी पावर एन। अब जो फंक्शन है ये फंक्शन इसकी पावर माइनस एन प्लस वन हो जाता है। देखिए फंक्शन यहां पर क्या है एक्स प्लस बी, इसकी पावर माइनस एन प्लस वन हो गया, तो यहां पर भी हो गया। अब उसके बाद इसका थ्री है तो थ्री रहेगा। अब इसका भी एनर्जी डेरिवेटिव नहीं है, कॉमन टर्म रहेगा माइनस वन टू दी पावर एन फैक्टोरियल एन। अब उसके बाद यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है थ्री है, तो थ्री टू दी पावर एन एन टू वन प्लस थ्री एक्स होल पावर माइनस एन प्लस वन। तो ये हो गया अपना इसका एनर्जी डेरिवेटिव, ये है फाइनल आंसर। तो इसी प्रकार बुक में और भी क्वेश्चन है जिसको आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, अगर दो फंक्शन का nth डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा तो उसका nth डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो उसका nth डेरिवेटिव निकालने के लिए लैबनिज ने एक थ्योरम दिया जिसको हम लैबनिज के थ्योरम के नाम से जानते हैं। तो लैबनिज का थ्योरम क्या है कि अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उसका एनिट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। जैसे u और v यहां पर दो फंक्शन है और दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो इसका अब हम एनिट डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला है nth डेरिवेटिव ऑफ u, u n का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v प्लस nc1। अब हम क्या करेंगे, इसका जो nth डेरिवेटिव था u का वो एक कम हो गया n माइनस वन डेरिवेटिव, उसके बदले v का एक डेरिवेटिव बढ़ गया, v बना गया प्लस nc2। अब u का डेरिवेटिव और कम हो गया un माइनस टू और v का डेरिवेटिव बढ़ा दिए v2। तो हम क्या कर रहे हैं कि u का डेरिवेटिव कम करते जा रहे हैं और v का डेरिवेटिव बढ़ाते जा रहे हैं, और nc1 को nc2 कर रहे हैं, nc3 nc4 ऐसा कंटिन्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट टर्म क्या आ जाएगा ncn आएगा, और एनसीएन में यू जो है एक भी बार डिफ्रेंशिएट नहीं करना है और उसकी जगह वी को एन टाइम डिफ्रेंशिएट करना है, यानी वी का एनर्जी डेरिवेटिव लेना है लास्ट में। स्टार्टिंग में उल्टा हुआ था, यू का एनर्जी डेरिवेटिव था वी एज इट इज था, और लास्ट में उल्टा हो रहा है वी का एनर्जी डेरिवेटिव लेना और यू एज इट इज रहेगा जैसा है। तो चलिए हम सबसे पहले आज इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो इसका प्रूफ करते हैं किस मेथड का यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का। इस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड अप्लाई करेंगे जिसको हिंदी में गणितीय आगमन विधि बोलते हैं। तो गणितीय आगमन विधि में हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको n इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं। तो n इक्वल टू वन के लिए ट्रू प्रूफ करते हैं तो पहले हम n की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में वन रखते हैं। तो n की वैल्यू जब हम लेफ्ट हैंड साइड में वन रखेंगे तो क्या जाएगा डी यू वी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी। तो d मतलब d बाई डी एक्स होता है, एक बार डिफ्रेंशिएट करना, और एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा तो हम करेंगे जैसे v को बाहर निकालेंगे u को डिफ्रेंशिएट करेंगे d बाई डी एक्स, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं डी यू इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी। मतलब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब ये u का डिफरेंशिएशन मतलब u1 v प्लस u और v का डिफरेंशिएशन यानी v1। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू n इक्वल टू 1 पे। राइट हैंड साइड में अगर हम n की जगह 1 रखें तो ये क्या हो जाएगा u1 v प्लस, यहां पर 1 रखेंगे तो 1c1 हो जाएगा, और यहां पे वन रखेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब एक भी बार डिफरेंशिएट नहीं, सिर्फ यू लिख देंगे, यू जीरो नहीं लिखना है, यू लिखना है सॉरी। और ये है वी वन। अब इसके आगे नहीं जाना है क्योंकि इसके आगे दो रीजन है, वन सी टू बेस ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, वन सी टू तो वो जीरो होता है एक, और यहां यू माइनस वन तो होगा नहीं, इसीलिए यहां तक मतलब वन सी वन तक जाना है। तो ये क्या हो जाएगा यू वन वी प्लस यू वी वन, वन सी वन की वैल्यू कितनी होती है वन। तो अब देख सकते हैं ये जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टेटमेंट दिया है एन इक्वल टू वन के लिए ट्रू हो गया।
तो याद होगा आप लोग को मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड वन के लिए हम ट्रू प्रूफ कर दिए, तो अब हम क्या एज्यूम करेंगे, सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, हम क्या मान लेते हैं, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम, तो एन इक्वल टू एम के लिए ट्रू मानेंगे, यानी क्या हो जाएगा, यहां पर एन की जगह एम रखेंगे तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई करेगा। mth डेरिवेटिव ऑफ u इनटू v इक्वल टू u m v प्लस m c 1 u m माइनस 1 v 1 अप टू m c m u v m, ये हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर वन। हम वन के लिए ट्रू प्रूफ करके बताए और एम के लिए मान लेते हैं। अब हम फिर किसके लिए प्रूफ करेंगे, नाउ वी सेल सोड है, सेल सोड है द स्टेटमेंट इज ट्रू, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू एम प्लस वन। अब हम स्टेटमेंट को एन इक्वल टू एम प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ करेंगे, तो अब क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, जैसे यहां पर किए थे लेफ्ट हैंड साइड में हम एन की जगह एन प्लस वन रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी एन प्लस वन यू इंटू वी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी इंटू डी एम यू वी, ऐसा लिख सकते हैं एम प्लस वन को। अब इस डी एम यू वी की वैल्यू इक्वेशन वन से पुट कर देते हैं, क्योंकि वन होल्ड कर रहा है इसलिए यहां पुट कर देते हैं, तो इक्वेशन वन का यूज करते हैं, यू एम वी प्लस एम सी वन यू एम माइनस वन वी वन प्लस एम सी टू यू एन माइनस टू वी टू अप टू लास्ट टर्म आएगा एम सी एम यू इंटू वी एम। एम सी एम की वैल्यू वन होती है इसलिए स्टेटमेंट में एम सी एम को हटा दिया, वन होती है उसकी वैल्यू। अब इसके बाद बी का मतलब डिफ्रेंसिएशन, अब बी को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा यू एम बी प्लस एम सी वन कॉमन आ जाएगा, डी ऑफ यू एम माइनस वन बी वन प्लस एम सी टू डी यू एम माइनस टू बी टू, और फिर वैसी लास्ट टर्म का डेरिवेटिव यू वी एम का डिफ्रेंसिएशन। इतना क्लियर हो गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन, ये प्रोडक्ट है दो फंक्शन का, और दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, यू एम का पहले डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या होगा, यू एम प्लस वन वी वैसी रहेगा, अब प्लस अब हम किसको डिफ्रेंसिएट करेंगे, वी को, तो वी वन वी यू एम ही रहेगा वी का डिफ्रेंसिएशन। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या किए, पहले यू एम को डिफ्रेंसिएट किए, तो एम टाइम्स ऑलरेडी डिफ्रेंसिएटेड था, एक बार और कर दिए तो कितने बार हो गया, एम प्लस वन टाइम और वी हो गया। अब प्लस यू एम को वैसे रहने देंगे, वी को डिफ्रेंसिएट करेंगे, सेम प्रोसीजर हम सेकेंड थर्ड और आगे के टर्म्स में भी अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यू एम वी वन प्लस यू एम माइनस वन वी टू प्लस एम सी टू, इसमें क्या हो जाएगा, यू एम माइनस वन वी टू प्लस यू एम माइनस टू वी थ्री अप टू लास्ट टर्म में होगा यू वन वी एम प्लस यू वी एम प्लस वन। ये हम क्या कर दिए, डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब हम क्या करते हैं उसके आगे, अब देखें सेम टर्म को एक साथ ले लेंगे, सेम टर्म को एक साथ ले लेंगे, जैसे ये वाला टर्म एक ही है और देख सकते हैं इस एक्सप्रेशन में कहीं भी नहीं है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड का लिख देते हैं बी एम प्लस वन यू वी, तो यहां पे है यू एम प्लस वन वी प्लस, अब ध्यान से देखिए
UMV1 यहां पर भी है और यहां भी है, दो जगह है UMV1, तो दोनों से UMV1 कॉमन निकालेंगे। अगर हम दोनों से UMV1 कॉमन निकालेंगे तो यहां क्या बचेगा, 1, और 1 को क्या लिख सकते हैं, MC0, और यहां पे क्या है, MC1 बचेगा। क्लियर हुआ, एक बार रिपीट करता हूं, दो जगह UMV1 है तो दोनों से UMV1 कॉमन निकालेंगे, यहां 1 बचेगा, यहां MC1 बचेगा, यहां तो MC1 रख दिए, M की जगह हम MC0 रख दिए। वैसे ही यहां पर हम देख सकते हैं UM-1V2 है, यहां पर UM-1V2 है, ये फिर दोनों से कॉमन निकलेगा और बचेगा क्या, यहां पर UM-V2 के साथ है MC1, तो MC1 आएगा और यहां पर है MC2, यहां पर ये MC2 और कॉमन आया है UM-1V2। ऐसे ही हम लास्ट टर्म लिख देते हैं, ये भी इसके पहले वाले के साथ पेयर बनाएगा, हम इसके पहले वाला टर्म नहीं लिखे हैं, सीधे लास्ट लिख रहे हैं, तो अब यहां पर UVN+1V अकेला टर्म है, इसके साथ कोई पेयर नहीं बन रहा है, जैसे फर्स्ट टर्म का कोई पेयर नहीं बना था वैसे लास्ट टर्म का कोई पेयर नहीं बनता, वैसे रहे। तो क्लियर हो गया, एक बार रिपीट करता हूं, पेयर बनाना है यहां पर जो सेम सेम है, UMV1 दो जगह है, दोनों से UMV1 कॉमन निकालिए तो यहां 1 बचा, यहां प्लस MC1, 1 को लिख दिया MC0, अब यहां पर UM-1V2 है, यहां भी UM-1V2, दोनों से कॉमन निकालेंगे तो MC1 बचेगा, यहां पर MC2 ये लिख दिए। वैसे ही हम कंटिन्यू आगे बढ़ते जाएंगे, पेयर बनते जाएगा, सिर्फ लास्ट टर्म का पेयर नहीं बनेगा जैसे फर्स्ट टर्म का नहीं बना था। अब इसके बाद देखिए ये जो फार्मूला है आप लोगों ने 11th में कॉम्बिनेशन पढ़ा है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन याद कीजिए, फॉर्मूला NCR-1+NCR क्या होता है, N+1CR। अगर ये दोनों सेम हैं और ये दोनों दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर हैं तो क्या हो जाता है, ये N+1 बन जाता है और इनमें जो बड़ा रहता है वो लिखते हैं। तो यहां पर भी देखिए ये दोनों सेम है MN और ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं N+1 और इन दोनों में बड़ा क्या है, 1 UMV1 प्लस ये दोनों सेम है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है तो ये आ जाएगा N+1C2 UM-1V2। और ऐसे ही हम जाएंगे तो लास्ट टर्म जो UVN+1 आया है इसका कोफिशियंट 1 है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, N+1CN+1। अब राइट हैंड साइड को देखिए, अभी हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की, जो स्टेटमेंट दिया था उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने N+1 रखा तो ये मिला। अब हम राइट साइड में भी N+1 रख के देखें तो राइट हैंड साइड में आप देखिए रखे तो क्या आ जाएगा, UNV था, N की जगह N+1, फिर था NC1, N की जगह N+1, फिर क्या था UN-1 था तो UMV1 हो जाएगा, फिर NC2 था तो M+1C2 और फिर क्या जाएगा, यहां जाएगा UM-1V2 और लास्ट टर्म जो आएगा वो क्या आएगा, M+1C M+1 UVM+1। तो देखिए राइट हैंड साइड भी आ गया, ये कहां पे रखे हैं, जो स्टेटमेंट का राइट साइड है वहां पर N की जगह M+1 रखे, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गया, यानी N=2 हम M+1 लिए थे इसके लिए भी स्टेटमेंट क्या आ गया, ट्रू हो गया। तो अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट सभी वैल्यू के लिए ट्रू है, यानी गणितीय आगमन मेथड से, मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से ये लेबनीज़ थ्योरम प्रूफ होता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है लेबनीज़ थ्योरम के प्रूफ तक, अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे लेबनीज़ थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम्स, और इसके प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कई वैरायटी के प्रॉब्लम्स मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेबनीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर को आप लोग अच्छे से देखिए, समझिए और इसका नोट्स बनाइए, और अगर आप लोग लेबनीज़ थ्योरम के पे बेस्ड क्वेश्चन को आगे से ट्राई कर सकते हैं तो कोशिश कीजिए बनाने की, हो सकता है बन जाए, और नहीं तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आऊंगा ही। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है
ये करिए कि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स होंगे आपकी क्लास में जिन तक ये वीडियो लेक्चर नहीं पहुंच पाया उन तक आप पहुंचाने की कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि इसका फायदा उनको भी मिले। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं फिर। थैंक यू।